भ्रमांतर करने वालों को फांसी दो, फांसी दो। भ्रमांतर करने वालों को फांसी दो, फांसी दो। मंजूर सिद्दीकी हाय हाय, सिद्दीकी हाय हाय, मंजूर सिद्दीकी हाय हाय, ग्लोबल स्कूल हाय हाय, ग्लोबल स्कूल हाय हाय, ग्लोबल स्कूल हाय हाय, दिल्ली ग्लोबल स्कूल हाय हाय, ग्लोबल स्कूल हाय हाय, दिल्ली ग्लोबल स्कूल। बुधवार को विश्व हिंदू परिषद मुरादाबाद ने दिल्ली ग्लोबल पब्लिक स्कूल द्वारा सांप्रदायिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में एक ज्ञापन एसएसपी महोदय को दिया। दिल्ली ग्लोबल पब्लिक स्कूल एक सामाजिक विद्यालय है जिसमें हर समाज का बच्चा पढ़ता है। इस प्रकार से विद्यालय में किसी धर्म विशेष की शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। इसकी अनुमति NCERT भी नहीं देता है। इस प्रकार के गतिविधियों में केरल हाईकोर्ट भी एक आदेश पारित कर चुका है कि कोई भी राज्य अथवा शिक्षण संस्थान किसी धर्म विशेष का प्रचार नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसे शिक्षण संस्थान जो संविधान के धर्म निरपेक्ष स्वरूप के विपरीत किसी धर्म विशेष की शिक्षा प्रदान करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए मान्यता को समाप्त किया जाए, ऐसा विश्व हिंदू परिषद मांग करता है। इस अवसर पर डॉक्टर राजकमल गुप्ता, गौरव भटनागर, सतीश अरोड़ा, प्रभात गोयल, अविनाश गुप्ता, अमित गुप्ता, योगेश त्यागी, वरुण शर्मा, मोहित सक्सेना, धीर शांत दास, संजय ठाकुर, अभिनव भटनागर, राम राजपूत, दिवेश, सुनील सैनी, शशांक द्विवेदी, नवनीत शर्मा, नरेंद्र कश्यप, नवनीत कुमार आदि लोग मौजूद थे। आज यहां पर हम लोग मुरादाबाद स्थित एक ग्लोबल पब्लिक स्कूल है तो वो CBSE से मान्यता प्राप्त है, लेकिन उसने एक विशेष धर्म की शिक्षा देने के लिए 15 साल से 18 साल के बच्चों का शिविर लगाया और उसमें धार्मिक शिक्षा प्रदत्त करनी चाहिए थी। हमने उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर ज्ञापन दिया है, क्योंकि जो विद्यालय होता है वो सर्वधर्म वाला होता है, उसमें किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा की ओर हम किसी को उसकी विचारधारा को नहीं मोड़ सकते हैं, ना कोई हम लालच दे सकते हैं, ना कोई हमको प्रलोभन दे सकते, उसके विरोध के लिए हम यहाँ आए थे। हमने शासन से आज रिक्वेस्ट की है कि ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान यहाँ का किसी भी धर्म विशेष को तरजीह नहीं देता, तो किसी भी धार्मिक शिक्षा जो सार्वजनिक होती है उसमें हम किसी भी विशेष मत का ना प्रचार कर सकते हैं, ना उसमें हम किसी का धर्मांतरण या मतांतरण कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज की शांति व्यवस्था को व्यवधान पहुँचेगा, एक संकट आ जाएगा और वो एक सांप्रदायिकता का रूप ले लेगी, तो ऐसी सारी कुचेष्टाएं षड्यंत्रों को तुरंत रोका जाए। देखिए धर्मांतरण नहीं है, धर्मांतरण से पहले की प्रक्रिया है कि हम विशेष प्रकार का एक वर्ग लगाएं और उसमें हम धार्मिक शिक्षा दें और हम उस धार्मिक शिक्षा के आधार पर जो बच्चे उसमें रुचि लें हम उनको धीरे धीरे फिर मतांतरित करें, धर्मांतरित करें। हाँ हमने बिल्कुल करी है, हमने यहाँ कर बड़े पुलिस अधीक्षक से प्रार्थना की है कि वो जल्द से जल्द इस सारी मैटर पर एक FIR करें और इस सारे प्रकरण की जांच करके दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि इस मुरादाबाद की सांप्रदायिक जो वातावरण है उसको किसी प्रकार से बिगाड़ा नहीं जा सके, तथाकथित जो हम कुछ लोगों की वजह से धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे।